हर समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। पंडित जी मिश्रा जी, हम लोग उतने दूर से आए, हमको रुद्राक्ष का वितरण कराइए, आप मिलाइए, जितना जरूरत हो उतना लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया। शेष नाग में सोए हुए हैं और लिखाया है इसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काफी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, कुबेश्वर धाम में आए हैं, और देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ लोग दर्शनार्थी दिख रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी आ रहे हैं। दर्शन कराते हैं और हमें पूजा पाठ कैसे करना है और कैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और कैसे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा मार्गदर्शन हमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हमें दिया जाता है। पंडित जी मिश्रा जी, हम लोग उतने दूर से आए, हमको रुद्राक्ष का वितरण कराइए, आप मिलाइए। जरूर। एमपी से आए भैया। कहाँ आए हो? यहीं आए हैं। कहाँ आए? कुबेश्वर धाम आए हो ना? अच्छा, कब से आए हो? हम सवेरे के आए हैं। अच्छा, कि मतलब कोई बोले है घर के, आप श्रद्धा से दान करने वहाँ जाओ, वो बताएंगे, उसके बाद आपको कहीं पे मिलेगा। पूछना मत अपने से ना, अगर वो पूछना अपने श्रद्धा से दान दिल से दो, फिर वो आपको रुद्राक्ष देंगे। मतलब दान करते हैं ना वहाँ पे। आने का मान्य ये रहता है कि सब लोग रुद्राक्ष प्राप्ति की के लिए सब लोग आते हैं, और उसी प्रकार हम लोग भी रुद्राक्ष भगवान की कृपा से हम लोग को मिल जाए करके आए हैं। देखते हैं हम लोग को रुद्राक्ष मिलता है कि नहीं मिलता, अगर मिलता है तो हम आप लोग को वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ आइए, रुद्राक्ष की प्राप्ति जरूर, बाबा में भरोसा रखो और अपनी मनोकामना लिए हुए भगवान से प्रार्थना करो, आपको ज़रूर मिलेंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपकी हर समस्याएं दूर होगी। तुमको मिल गया क्या? हाँ? नहीं, हम लोग ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप ना वहाँ जाइए, दिल से दीजिए, मन से मतलब खुद से मत बोलना, रुद्राक्ष से ही अगर वो पूछे तो ही बताना, बोलना कि मतलब रुद्राक्ष नहीं मिला है, कहाँ पर मिलेगा ऐसे करके। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ड्रामा मांगे हैं, लालच नहीं करना है। कार्यरत है, लगातार बन रहा है। अब हम आप लोग को दिखाएंगे कुबेश्वर धाम में, भैया लोग हैं, सब चारा वगैरह सब खिला रहे हैं, देख सकते हैं सब दर्शनार्थी लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। इतनी सारे गाय हैं, गाय दूध देती है, गाय हमारी माता। मिश्रा जी का गौशाला है और काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और इसकी पूजा आराधना करते हैं। ये सब आप लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो में, है ना दोस्तों? आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना कि आप अगर कुबेश्वर धाम नहीं आए हैं तो ज़रूर कमेंट कर देना, और आप यहाँ ज़रूर एक बार आना कुबेश्वर धाम। और यहाँ खाना की व्यवस्था रखी गई है, जैसे आप लोग को देख रहे हैं, ये सब सुबह 11 बजे से 1 बजे तक प्रसाद वितरण किया जाता है, और रात्रि को भी खाना की सुविधा है। यहाँ सब दर्शनार्थियों को है, आप लोग दिख रहा होगा, यहाँ रुकने खाने पीने नहाने धोने का सब सुविधा रखा है। यहाँ आप आते हो तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या होने नहीं देंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी। आप खाने के लिए सब लाइन लगे हुए हैं, सब मेरे पीछे प्रसाद वितरण किया जा रहा है कुबेश्वर धाम में सुदूर में। तो कैसा बना है लोगों से पूछते हैं, क्या बताएंगे आप लोग को बताते हैं।
कैसा लगा है? प्रसाद प्रसाद पक्का बहुत अच्छा लगा है ना? बहुत अच्छा। क्या, क्या दे रहे हैं? किचड़ा है, रोटी है, कड़ी है, सब्जी है। तो दोस्तों आप लोग को बता देता हूँ, साल का 12 महीना होता है, लेकिन 12 महीनों में श्रद्धालुओं का लोग का आना जाना यहाँ लगा रहता है, और ऐसा ही प्रसाद वितरण साल भर दिया जाता है, 12 महीने दिया जाता है। कैसा लगा है भैया, आप बोलना चाहेंगे? जी कैसा लगा बाबा जी का प्रसाद? एक नंबर लगा। अच्छा जो देते हैं उसको, जो देते हैं उसको स्वीकार लेना चाहिए, स्वीकार लेना चाहिए। डेली का डेली चलता है, डेली में डेली ऐसा चलता है, और काफी श्रद्धालु लोग यहाँ लेन लगे हुए हैं। अब चलिए उनसे पूछते हैं। जितना जरूरत हो उतना लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया। आप प्रसाद ग्रहण तो करिए, दोबारा में आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। भैया रोज दिया जाता है? रोज रोज निःशुल्क निःशुल्क। अच्छा अच्छा बाबा, बाबा कुबेश्वर नाथ धाम में यहाँ रोजाना ऐसी भीड़ लगा रहता है, अभी नवरात्रि के वजह से तो ज्यादा दिख रहा है पब्लिक। और चलिए इनसे पूछते हैं भैया, क्या क्या सा क्या क्या खाना दिया जाता है यहाँ रोजाना? क्या क्या सब्जी दिया जाता है खाना? क्या क्या रोटी दी जाती है श्रद्धालु लोग को? और हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा पेट भर यहाँ खाना मिलता है दोस्तों, लोग सब बता रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शनार्थी लोग लाइन लगे हुए हैं, काफी भीड़ नजर आ रहा है यहाँ। जबरदस्त प्रसाद वितरण दिया जा रहा है यहाँ कुबेश्वर धाम में, पूरा देश भर से लोग आए हुए हैं इधर बाबा के नाम से प्रसाद ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कैसा प्रसाद वितरण यहाँ किया जा रहा है आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ सालाना हर रोज यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है कुबेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा और उसके कहे गए निर्देश के द्वारा। और यहाँ ऐसा है कि जितना लोग देते हैं उतना सभी लोग सरलता से सुगमता से लोग यहाँ प्रसाद लेते हैं, और स्वादिष्ट रहता है यहाँ का भोजन। दिन में दो बार दिया जाता है, एक सुबह एक शाम को दिया जाता है यहाँ हर रोज। ठीक है दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शंकर भगवान की जय। रुद्राक्ष मिला है? नहीं मिला, कब मिलेगा? 15 का बोल रहे हैं, 15 को बोल रहे हैं। रुद्राक्ष के लिए आए हो? हाँ। और दर्शन करने के लिए आए हो? ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों अभी रुद्राक्ष वितरण नहीं किया गया है सीहोर में, आप लोग कृपया रुद्राक्ष प्राप्ति के लिए ना आए, दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रुद्राक्ष वगैरह। गौर से देखिए इसके हाथों को, हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, कुबेश्वर धाम बाबा के दरबार में लाया है बाबा को दिखाने के लिए और अपने बीवी का इलाज कराने के लिए। मिला? ना नहीं मिला, नहीं मिला है। और क्या बोलते हैं पंडित जी, अभी दूसरी घोषणा करेंगे? दूसरी तो घोषणा करेंगे। अच्छा अच्छा,